गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, क्लास स्टार्ट हो चुकी है, सभी लोग आ जाइए। आप सभी का स्वागत है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा था, भक्ति एंड सूफी आंदोलन पढ़े थे, है ना। तो आगे जो हम नया चैप्टर डालेंगे वो आप चैप्टर डाल लीजिए विजयनगर एवं बहमनी साम्राज्य, चैप्टर 6 या यूनिट 6 डाल लो, विजयनगर एवं बहमनी, विजयनगर बहमनी एवं प्रांतीय राज्य, ठीक है। विजयनगर बहमनी एवं अन्य प्रांतीय राज्य, यूनिट 6 चैप्टर 6 जो भी आप डालना चाहो डाल लो, क्योंकि आज हम नया चैप्टर पढ़ेंगे। नाम फिर से मैं आपको बता दे रही हूँ, विजयनगर बहमनी एवं अन्य प्रांतीय राज्य, ठीक है। अब इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, एक तरफ जहाँ पर दिल्ली सल्तनत में जो है वो दूसरे देशों से आए हुए राजा, है ना, दिल्ली में क्या कर रहे थे, जो है वो राज कर रहे थे, है ना, अलग अलग प्रांतों को या युद्ध की से जो क्या कर रहे हैं, जीत कर अपने अधीन कर रहे थे, है ना, कहाँ पर, दिल्ली में, ठीक है। तो उसी के ड्यूरेशन में, है ना, एक अन्य राज्य या अन्य जो एक नहीं बोल सकते, अन्य राज्यों ने भी क्या हुआ था, जो है वो मतलब उनको भी अपने अधीन करने का प्रयास किया गया। दिल्ली सल्तनत वालों के राजाओं ने जो भी हमने साम्राज्य पढ़े हैं, है ना, तुगलक वंश, लोदी वंश, लोदी वंश हमारा लास्ट था दिल्ली सल्तनत का, ठीक। तो ये जो राजाएं थे, है ना, ये जो सुल्तान थे, ये क्या कर रहे थे, धीरे धीरे सभी राज्यों को अपने अधीन कर रहे थे युद्ध के द्वारा। तो वैसे ही जो था हमारे दक्षिण भारत में, है ना, दक्षिण भारत में भी विजयनगर और बहमनी साम्राज्य जो है वो उदय में आया। क्यों, एक छोटी सी मैं कहानी बताती हूँ, वो कहानी आप जो है वो रिकॉर्ड कर लीजिए या फिर उस चीज़ को सुनकर बाद में लिख लेना, ठीक है। तो पहले जो है वो विजयनगर साम्राज्य का उदय कैसे हुआ या विजयनगर का जो है वो वास्तविकता कैसे आई, विजयनगर कहाँ पर है ये आप लोग मुझे बताओगे, ठीक। दक्षिण भारत में है लेकिन वास्तविक अब क्या है और कहाँ पर है ये आप लोग मुझे बताओगे, ठीक है। तो विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हरिहर एवं बुक्का ने की थी, ठीक है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर एवं बुक्का ने 1336 में की थी, ठीक। उस समय जो है इनका जो, जैसे अभी हम लोगों ने दिल्ली सल्तनत में अलग अलग वंश पढ़े थे ना पहले, वैसे ही इनका भी अलग अलग वंश चला है, है ना। तो सबसे पहले जो विजयनगर में जो वंश आया था वो आया था संगम वंश, ठीक। संगम वंश कैसे हुआ, हरिहर एवं बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी, तो संगम वंश क्या बोलते हैं, संगम वंश हरिहर एवं बुक्का के पिता का नाम था, तो उनके नाम से ही संगम वंश चालू हुआ, ठीक है। मोहम्मद तुगलक ने विजयनगर साम्राज्य को अपने अधीन करना चाहा, ठीक है, विजयनगर साम्राज्य को अपने अधीन करना चाहा और इसमें वो सफल रहा। इससे हरिहर और बुक्का जो थे वो उनके अधीन आ गए और अपना धर्म बदल दिया, वे इस्लाम धर्म कबूल कर लिए थे, इस्लाम धर्म में आ गए थे, ठीक है। अब ये लोग क्या हुए थे, दिल्ली सल्तनत के सेना के तरफ से क्या हो गए थे, दिल्ली सल्तनत की सेना के तरफ से सेनापति हो गए थे, ठीक। जब ये एक कंपिली क्षेत्र नाम ध्यान से रखना और उस चीज को आप लोग सर्च करके बताओगे, क्या क्या बताना है आपको, विजयनगर और कंपिली, ठीक है। तो सेनापति के रूप में इन्हें कंपिली क्षेत्र भेजा गया विद्रोह करने, और यहाँ पर ये जाके विद्रोह का दमन किए, ठीक है। इसके बाद जब ये वहाँ पर आए थे तो एक गुरु से मिले, ठीक है, उन गुरु का नाम है विद्यारण्य, ठीक है। इन गुरु से मिलकर हरिहर एवं बुक्का क्या हुए, प्रभावित हुए और वापस से हिंदू धर्म अपना लिए, ठीक है। यहाँ से कहानी चालू होती है अपने साम्राज्य को
अपने वापस जो है वो लेने की। ठीक, तो इसी जंग के द्वारा जो है सफलता मिली है ना दिल्ली सल्तनत की तरफ से, और एक स्वतंत्र राज्य जो है वो उदय पे आया जिसका नाम है विजयनगर साम्राज्य। तो स्थापना किसके द्वारा हुआ? हरिहर एवं बुक्का। ठीक, तो हरिहर एवं बुक्का ने क्या किया? संगम वंश की स्थापना की है ना, विजयनगर की, विजयनगर साम्राज्य बनाया और संगम वंश यहाँ से चालू होता है। अब इन सब का स्रोत क्या है जानने का, चलो देखते हैं। ठीक, विजयनगर और बहमनी एवं अन्य प्रांतीय राज्य है ना, इनका स्रोत कौन कौन सा है कि जिसके द्वारा हमको ये जानकारी प्राप्त हुई है, जो कहानी हम बोल रहे हैं और आप सुन रहे हैं, तो ये कहाँ से प्राप्त हुई? कुछ साहित्यिक है ना, उनके द्वारा जो है वो उस समय जो लोग रहे होंगे उनके द्वारा जो लिखा गया है ना, साहित्य लिखा हुआ है, तो उनके द्वारा जो है वो कहानी कहानी से हमको इस समय के समय का ज्ञात हुआ। ठीक, कुछ विदेशी यात्रा है ना, जो विदेशी हमारे जो है वो देश में आते हैं, यात्रा करते हैं और बुक लिखते हैं, तो उनके द्वारा जो है वो हमको इस समय की जानकारी मिली। ठीक, तो साहित्यिक स्रोत है, विदेशी स्रोत है। ठीक, साहित्यिक स्रोत में कौन कौन से स्रोत हैं? पहला है कृष्ण देव राय की अमुक्त माल्यदा। ठीक है, साहित्यिक स्रोत लिखना, डैश करना, उसमें क्या लिखोगे? कृष्ण देव राय की अमुक्त माल्यदा, मा अधल य दा, माल्यदा, कृष्ण देव राय की अमुक्त माल्यदा। दूसरा लिखना पेंदन की मनुचित्रम, पेंदन, पा में एक ही मात्रा, पे आधा न दन, पेंदन की मनुचित्रम, मनुचित्रम। ठीक है, तीसरा लिखना गंगाधर की गंगादास गंगादास प्रताप विलासम, गंगादास प्रताप विलासम। ठीक है, गंगादास प्रताप विलासन। ठीक है, विलासम। चौथा लिखना राजनाथ की सालुआ अभ्युदय लिख लोगे? ठीक, तो ये जो है वो चार जो है हमारे पास साहित्यिक स्रोत है। ठीक, अब विदेशी में क्या क्या है? तो विदेशी यात्री लिखना एक तरफ, जो बच्चे मेरे सुन के लिख रहे हैं वो दो कॉलम बनाएंगे, एक तरफ लिखेंगे विदेशी यात्री और दूसरे तरफ लिखेंगे शासक या शासन काल, मतलब वो विदेशी किसके शासन काल में आए थे वो, है ना। तो एक तरफ विदेशी यात्री और दूसरा तरफ शासक या शासन काल। ठीक, तो पहले जो विदेशी यात्री आए थे हमारे यहाँ वो थे निकितन या फिर निकोलो कोंटी। ठीक, निकितन, नाम है छोटी की मात्रा, निकितन स्लैश करना निकोलो कोंटी। ठीक, ये किसके शासनकाल में आए थे? देवराय प्रथम के। अभी ये कौन है देवराय, ये हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, निकितन किसके समय में आए थे? देवराय प्रथम के। ठीक, नेक्स्ट है अब्दुल रज्जाक, ये आए थे देवराय सेकेंड में। ठीक है, तीसरा लिखना डेमिंगो पायस, ये आए थे कृष्ण देव राय के समय,
कृष्ण देव राय के समय में। ठीक, चौथा नाम थोड़ा सा अजीब है लेकिन आप लोग को याद रखना पड़ेगा, दुआरते। दू आ में आ की मात्रा आ, ते तामे की मात्रा ते और ऊपर में आधा र, दुआरते। दुआरते बारबोसा, दुआरते बारबोसा, ये भी कृष्णदेव राय के समय में आए थे। ठीक है, दुआरते बारबोसा कृष्णदेव राय के समय आए थे। पांचवा लिखना मुनीज, मुनीज, मुनीज जो आए थे अच्युत देव राय के समय में, अच्युत देव राय के समय में मुनीज। ठीक, तो ये थे हमारे साहित्यिक और विदेशी यात्री के स्रोत, जिसकी वजह से जो है वो हमको इस समय की जानकारी मिली थी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ठीक, तो ये थे साहित्यिक स्रोत और ये हो गई आपकी कहानी। कहानी क्या थी कि विजयनगर साम्राज्य को इन लोगों ने कैसे बसाया, है ना। तो ये लोग जो थे पांच भाई थे, हरिहर, बुक्का, कंपन, मरप्पा और मदुप्पा। हरिहर, बुक्का, कंपन, कंपन, हरिहर, बुक्का, कंपन, हरिहर, बुक्का, कंपन, मदुप्पा और मरप्पा, ये पांच भाई थे जिन्होंने जो है वो जो उनके परिवार ने के दो सदस्यों हरिहर और बुक्का ने ही मिलकर क्या किया, विजयनगर साम्राज्य जो है वो बसाया। ठीक है, तो चलो आगे पढ़ते हैं। विजयनगर साम्राज्य में पहले पढ़ते हैं संगम वंश, पहले पढ़ते हैं संगम वंश, क्योंकि हरिहर बुक्का ने अपने पिता के नाम पर जो है वो संगम वंश की स्थापना की थी। संगम वंश का कार्यकाल रहा है 1336 से 1485। ठीक, 1386 से 1485। ठीक, मैं धीरे धीरे इसलिए बोल रही हूँ ताकि आप लोग कुछ नोट्स करना हो तो कर सकते हो। इसमें राजा तो हैं लेकिन जिन राजाओं के बारे में हमको पढ़ना है बस उतना ही पढ़ेंगे, एक्स्ट्रा नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, तो जिन राजाओं के द्वारा जो है वो हमको कुछ जानकारी मिलती है उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, चलो देखते हैं हरिहर प्रथम। ठीक, हरिहर प्रथम पहला डालो संगम वंश में, हरिहर प्रथम। अब जैसे कि आप लोगों ने कहानी अभी सुना कि हरिहर और बुक्का ने कितना अथक प्रयास किया है, कितना मेहनत किया है और उसके बाद अपना साम्राज्य स्थापित किया, तो सबसे पहले जो राजा आते हैं वो कौन रहेंगे, हरिहर प्रथम। ठीक है, इनके द्वारा क्या हुआ, हरिहर प्रथम ने मदुरा विजय हेतु दो सेनाएं भेजी थी। अब क्या होता है, जैसे ही जब राजा गद्दी पे बैठता है तो अपना राज्य तो स्वतंत्र हो गया लेकिन बाकी राज्यों को भी अपने जो है वो अधीन करने का प्रयास करता है, है ना, अधीन करने का प्रयास करता है। तो हरिहर ने मदुरा विजय हेतु सेनाएं भेजी थी। मदुरा कहाँ है ये भी बताना, जितने भी मैं राज्य बता रही हूँ कुछ अभी वास्तविक में वो नाम होंगे और कुछ जो है वो नाम चेंज हो गए होंगे, तो ये जानना आपका ज़रूरी है कि जो जो राज्य के बारे में हम पढ़ रहे हैं उसका है कहाँ। ठीक है, ये नहीं कि एकदम हम रट्टू तो जैसे रट ले। ठीक, तो हरिहर प्रथम ने मदुरा विजय हेतु दो सेनाएं भेजी थी, है ना, दो सेनाएं भेजी थी। ठीक है, एक जो था वो कुमार, एक जो था कुमार सलव के बीच, ठीक है, एक जो था कुमार, एक जो था कुमार सलव के पास और दूसरा था कुमार कंपन के पास। ठीक, इन दोनों ने मिलकर क्या किया, सलव है ना, कुमार सवल, सवल, सवल,
ठीक है, इनके द्वारा ही जो है वो मदुरा विजय हुआ। तो इसके साथ जो है हरिहर प्रथम ने दो जो है वो नगरों का स्थापना किया। कौन कौन सा नगर था? विजयनगर और विद्यानगर। कौन कौन सा? विजयनगर और विद्यानगर। जो इम्पोर्टेंट है वही लिखना और ज्यादा एक्स्ट्रा मत लिखना, ठीक। तो हरिहर प्रथम ने क्या लिखोगे कि दो नगर का संस्थापक था, ठीक, दो नगर का संस्थापक था विजयनगर और विद्यानगर, ठीक। और इन्होंने मदुरा विजय हेतु दो सेनाएं भेजी थी। एक सेनाएं सवल कुमार सवल के नेतृत्व में और दूसरा कुमार कंपन के नेतृत्व में, ठीक। आगे आते हैं, अब हरिहर प्रथम हो गए, अब बुक्का प्रथम। नेक्स्ट लिखो बुक्का प्रथम। बुक्का प्रथम में कुछ स्पेशलाइजेशन वाला टाइप से चीज नहीं है। इसमें लिखना वेद प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की। दूसरे राजा के बारे में लिखना डैश करके बुक्का प्रथम, ना लिखना वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की, ठीक है, वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की, ठीक। तीसरा लिखो हरिहर द्वितीय, ठीक है। हरिहर द्वितीय कौन था? बुक्का का पुत्र। हरिहर द्वितीय कौन था? बुक्का का पुत्र था, ठीक है। हरिहर द्वितीय जो है वो बुक्का का पुत्र था। ये फिरोज शाह तुगलक के द्वारा पराजित हुआ। लिखना फिरोज शाह तुगलक द्वारा पराजित, ठीक, ठीक है। और इसे महाराजा धीराज की उपाधि मिली है, ठीक है। इसमें लिखना महाराजा धीराज की उपाधि, ठीक है। किसको? हरिहर द्वितीय को महाराजा धीराज की उपाधि मिली है, ठीक। इतना ही लिखना फिरोज शाह तुगलक द्वारा महाराजा धीराज की उपाधि मिली है। अच्छा हाँ, इसका सबसे बड़ा जो था ना सफलता ये है कि ये बहमनी राज्य से, जैसे अभी हम विजयनगर के बारे में पढ़ रहे हैं, तो वैसी एक बहमनी राज्य जो है वो हम अलग पढ़ेंगे। तो बहमनी राज्य से इसने बेलगांव और गोवा को क्या किया था? जीता था, ठीक है। लिख लेना बहमनी राज्य से बेलगांव एवं गोवा को जीता था, ठीक है, या छीना, जीता, ठीक। हरिहर द्वितीय के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़े, आगे है फोर्थ नंबर डाल के लिखो, देवराय प्रथम, ठीक। हरिहर द्वितीय के बाद फोर्थ नंबर डाल के लिखो देवराय प्रथम के बारे में लिखो। इसने तुंगभद्रा नदी पर तुंगभद्रा नदी कहाँ पर है वो भी कमेंट करके बताना। तुंगभद्रा नदी पर हरिद्रा बांध बनवाया, ठीक है, तुंगभद्रा नदी पर हरिद्रा बांध बनाया और सिंचाई हेतु नहर निकलवाए, ठीक है। मतलब ये थोड़ा सा
शिक्षित टाइप का हो गया। ठीक, तुंगभद्रा नदी पर हरिद्रा बांध बनवाए और सिंचाई हेतु नहर निकलवाया। ठीक है, कौन? देवराय प्रथम। ठीक, यही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, आगे बढ़ते हैं, देवराय द्वितीय। ठीक, देवराय द्वितीय। नेक्स्ट लिखो, देवराय द्वितीय। देवराय द्वितीय, देवराय द्वितीय के बारे में लिखो, इसने इमादी देवराय, इमादी देवराय, प्रौढ़ देवराय तथा गजबेटकर। इमादी देवराय, प्रौढ़ देवराय, गजबेटकर। ठीक, गजबेटकर की उपाधि ली, इसने इमादी देवराय, प्रौढ़ देवराय और गजबेटकर की उपाधि ली। ठीक, स्वयं दो ग्रंथों की रचना की, ये भी लिख लेना, स्वयं दो ग्रंथों की रचना की। ठीक, कौन कौन से ग्रंथ थे वो देख लो, महानायक सुधानिधि, ब्रह्म सूत्र पर टीका। पहला है महानायक सुधानिधि, ठीक है, पहला लिखो महानायक सुधानिधि, और दूसरा है ब्रह्म सूत्र पर टीका। ठीक, तो अलग अलग राज्यों अलग अलग राजाओं द्वारा अलग अलग क्वालिटी के हिसाब से अगर उनमें कोई काम किया होगा तो हम उसके बारे में पढ़ेंगे, अदरवाइज छोड़ेंगे। ठीक है, तो क्या पढ़ा रही मैडम, ये नहीं होना चाहिए। ठीक, तो देवराय द्वितीय ने क्या लिखा था, स्वयं जो है वो ग्रंथों की रचनाएं की थी। उन ग्रंथों का क्या क्या नाम है, महानायक सुधानिधि और ब्रह्म सूत्र पर टीका। ठीक, छठवा लिखो, मल्लिका अर्जुन। ठीक, मल्लिका अर्जुन, कुछ काम नहीं है इसके पास तो इसमें कुछ नहीं लिखेंगे। ठीक है, छठवा में मल्लिका अर्जुन में कुछ मत लिखना। सेवंथ लिखना, विरूपाक्ष द्वितीय। ठीक, विरूपाक्ष द्वितीय। ठीक है, ये क्या था, संगम वंश का अंतिम शासक था। डैश करके लिख लो, संगम वंश का अंतिम शासक था। ठीक, संगम वंश का अंतिम शासक था। ठीक, हो गया। हाँ, तो विरूपाक्ष द्वितीय ये था कि संगम वंश का अंतिम शासक था। अब आते हैं यहीं पे, ये चीज खत्म हो रही है, अंतिम बोल दो तो खत्म हो रहा है। अब यहाँ से नया जो है वो नया चालू होगा, तो नया चालू कौन सा वंश होगा, संगम वंश के बाद है सुलूव राजवंश। सुलूव, सामे छुटू की मात्रा सू, लामे छुटू की मात्रा लूव, सुलूव, सुलूव राजवंश, सुलूव राजवंश। ठीक, अब ये कैसे चालू हुआ देखते हैं इसको। ठीक, चंद्रगिरी है ना, चंद्रगिरी के सामंत नरसिंह सालूव ने, चंद्रगिरी के मतलब कोई एक जगह है जहां का एक सामंत था, वो सामंत का नाम क्या था, नरसिंह सुलूव। ठीक है, या सालूव, नरसिंह सालूव ने संगम वंश के अंतिम शासक विरूपाक्ष द्वितीय को, है ना, विरूपाक्ष द्वितीय को
पद्युचत करके, पद्युचत करके मतलब उनको अपने पद से हटा के 1485 में सिंहासन पर अधिकार कर लिया। ठीक है, मतलब कोई एक जगह का जो सामंत था वो बंदा आता है, उसका नाम है नरसिंह सालूव। ठीक, और उसने क्या किया, विरूपाक्ष द्वितीय को पद्युचत करके 1485 में सिंहासन पर अधिकार कर लिया। तो अब चालू क्या होगा, सुलूव राजवंश। नेक्स्ट लिख लो सुलूव राजवंश, डेट डालो 1485 से 1505। ठीक है, 1485 से 1505। आगे बढ़ते हैं, तो हमारे सुलूव राजवंश में पढ़ाने जैसा कुछ है नहीं, सिर्फ इसके दो जो है वो राजाओं के नाम लिख लो। ठीक, जो जो वास्तविकता में आए थे, परंतु इनके द्वारा जो है वो कोई काम जो है वो ढंग का है नहीं, ना आता नहीं, तो हम सिर्फ नाम जान लेते हैं क्या क्या नाम है। ठीक, तो सुलूव राजवंश में पहला लिखो सुलूव नरसिंह, सुलूव नरसिंह, सुलूव नरसिंह। ठीक, सुलूव नरसिंह, फिर दूसरा लिखो इमादी नरसिंह। ठीक, सुलूव नरसिंह और इमादी नरसिंह। ठीक है, तो सुलूव राजवंश में हम इतना ही पढ़ेंगे, उनके राजाओं के बारे में ही बस। आगे आते हैं तुलूव राजवंश, तुलूव, तामे छोटू की मात्रा, तुलूव, तुलूव राजवंश 1505 से 1570। ठीक, तुलूव राजवंश। अब ये तुलूव राजवंश है कौन, तो सुलूव नरसिंह के अयोग्य पुत्र इमादी नरसिंह को पद्युचित करके राजा सिंहासन पर अधिकार कर लिया एवं तुलूव वंश की स्थापना की। कौन, वीर नरसिंह, एक बंदा आता है वीर नरसिंह। ठीक, सुलूव का भी है लेकिन वो नरसिंह सुलूव है, और तुलू वंश का जो पहला संस्थापक आएगा उसका नाम क्या है, वीर नरसिंह। तो वीर नरसिंह क्या किया कि सुलूव नरसिंह के अयोग्य पुत्र कौन, इमादी नरसिंह को पद्युचत करके, है ना, सिंहासन पर बैठ जाता है और तुलूव वंश की स्थापना करता है। ठीक है, इस घटना को विजयनगर के इतिहास का द्वितीय अपहरण कहते हैं। एकदम ध्यान से इस चीज को नोट करना, इस घटना को विजयनगर के इतिहास में, किस घटना को, जब विजय वीर नरसिंह जो है वो इमादी नरसिंह को पद्युचित करता है, ठीक है, तो उसके बाद सिंहासन पर बैठ जाता है, और इस घटना को क्या बोलते हैं, विजयनगर का के इतिहास में द्वितीय अपहरण कहते हैं, द्वितीय अपहरण कहते हैं। ठीक, तो ये थे वीर नरसिंह, इनके बारे में इतना ही है। तो पहले जो संस्थापक हुए वो कौन हुए, वीर नरसिंह। ठीक, अब दूसरा लिखो कृष्ण देव राय, कृष्ण देव राय, ये कृष्ण देव राय कौन है पता है आप लोग को, कृष्ण देव राय वो है, कृष्ण देव राय आपने वो पढ़ा था ना तेनालीरामा, सुने भी होगे कहानी, तेनालीरामा के समय में जो शासक था वही कृष्ण देव राय हैं। ठीक है, तेनालीराम की कहानियां पढ़ते हैं ना, तो उसमें जो राजा उस समय रहते हैं वही कृष्ण देव राय हैं। ठीक, तो विजयनगर के साम्राज्य के जो सबसे जो जो राजाओं के श्रेष्ठ थे वो कौन थे, कृष्ण देव राय। ठीक है, ये अत्यंत बुद्धिमान थे और शक्तिशाली थे,
ठीक। बाबर ने अपने बाबर नामा की कथाओं में जो कृष्णदेव राय को जो है क्या बताया है, सर्वाधिक शक्तिशाली बताया है, ठीक है। किसको? कृष्णदेव राय को। बाबर ने अपने बाबर नामा में कृष्णदेव राय को सर्वाधिक शक्तिशाली बताया है, तो इसको लिखते रहना, ठीक। इन्होंने कला को भी संरक्षण दिया, ठीक, कलाओं का भी संरक्षण दिया। इनके कवियों में 8 कवियों को संरक्षण दिया गया था, जिसको क्या बोलते थे, अष्ट दिग्गज, ठीक। 8 कवियों को संरक्षण दिया था, जिसको क्या बोलते थे, अष्ट दिग्गज, ठीक। इसके अलावा उन्होंने स्वयं महान विद्वान और कवि थे, ठीक, वो खुद भी विद्वान और कवि थे। उसने तेलुगु भाषा में, अभी हमने पढ़ा था ना सुबह की सुबह बोल रहा हूँ, अभी पढ़ा था कुछ देर पहले, कृष्णदेव राय की अमुक्त माल्यदा। तो उन्होंने स्वयं कौन कौन सी रचना की थी, अमुक्त माल्यदा, ठीक है, अमुक्त माल्यदा की थी, ठीक ठीक है। और उनके ही दरबार में जो कवि थे पेंदन, है ना, पेंदन ने क्या लिखा था, मनुचित्रम, अभी हमने शुरुआत में पढ़ा था, ठीक। तो कृष्णदेव राय ने खुद ही क्या किया था, अमुक्त माल्यदा की रचना की थी। पेंदन ने क्या लिखा था, मनुचित्रम, ठीक है। और उसके दरबार में प्रसिद्ध दरबारी जो है वो तेनाली रामा, है ना, तेनाली रामा ने क्या किया था, पांडुरंग महात्य की रचना की थी। पांडुरंग महात्य की रचना की थी, ध्यान से लिखना, तेनाली रामा द्वारा क्या लिखा था, पांडुरंग महात्य, ठीक है। तो ये थे हमारे कृष्णदेव राय, ठीक है, कृष्णदेव राय। नेक्स्ट आते हैं तीसरे नंबर पे, लिखो, अभी ये तुलु चल रहा है ना, नेक्स्ट लिखो, अच्युत देव राय के बारे में लिखो, दुर्बल एवं अयोग्य शासक था, ठीक, दुर्बल एवं अयोग्य शासक था तीसरा, ठीक, कौन, अच्युत देव राय। नेक्स्ट लिखो, सदाशिव लिखो, अंतिम शासक, सदाशिव अंतिम शासक, ठीक है। अब एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उस पॉइंट को लिखना, जिस तरीके से ये सारा जो वंश चल रहा था, है ना, तो उस तुलुव राजवंश में एक बहुत फेमस युद्ध हुआ था, उस युद्ध के बारे में हमको लिखना है, ठीक है। ये युद्ध जो हुआ था 1565 में हुआ था, ठीक है, 1565 में हुआ था, तुलुव राजवंश के समय में हुआ था, और इस युद्ध का नाम है तालीकोट का युद्ध या तालीकोटा का युद्ध। इसको क्या क्या बोलते हैं वो ध्यान में रखना, तालीकोटा का युद्ध, कौमा, राक्षस तंगड़ी का युद्ध, या फिर बन्नी हट्टी की लड़ाई, तीनों में से कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तालीकोटा का युद्ध, राक्षस तंगड़ी का युद्ध और बन्नी हट्टी की लड़ाई, ठीक है। इसमें क्या हुआ था, चलो देखते हैं, नाम समझ में आया, तालीकोटा का युद्ध, राक्षस तंगड़ी का युद्ध या बन्नी हट्टी की लड़ाई, ठीक। बीजापुर अहमदनगर एवं गोलकुंडा जगह का नाम है, ठीक, बीजापुर अहमदनगर गोलकुंडा के संयुक्त मोर्चे ने, मतलब तीनों जगह के जो है वो राजाओं के द्वारा, है ना, मतलब बीजापुर
और जो है वो अहमदनगर एवं गोलकुंडा के संयुक्त मोर्चे ने 25 जनवरी 1565 को विजयनगर पर आक्रमण कर लिया। ठीक है, विजयनगर पर आक्रमण कर लिया और इसी युद्ध को क्या कहते हैं, तालीकोटा का युद्ध। ठीक है, और इस युद्ध में संयुक्त मोर्चे का विजय हुआ। ठीक है, विजय हुआ और इस युद्ध का परिणाम ये हुआ कि विजयनगर पराजय होकर भी 100 वर्षों तक विजयनगर साम्राज्य का अस्तित्व रहा। ठीक है, ठीक। तिरुमल के सहयोग से सदाशिव मतलब कौन, तुलु वंश के अंतिम शासक ने पेनुकोंडा को राजधानी बनाकर शासन किया। ठीक, पेनुकोंडा को राजधानी बनाकर शासन किया। तो तालीकोटा का युद्ध ध्यान में रहेगा, 25 जनवरी 1565 को कौन कौन था, बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा ने विजयनगर पर जो है वो आक्रमण कर दिया था। इसके बावजूद जो है वो विजयनगर पराजित हुआ और विजयनगर जो है वो उस समय सदाशिव जो है वो शासन काल में थे। ठीक, ठीक है, इतना समझ में आया। अगर किसी को कोई डाउट होगा ना तो प्लीज बता देना। ठीक, ठीक। अब जो है नेक्स्ट लिखो, तो संगम वंश हो गया। ठीक, संगम वंश हो गया, सुलु वंश हो गया, तुलु वंश हो गया। अब आता है अरिविडु वंश। अब ये अरिविडु वंश कब आया, अरिविडु वंश इसका लिख लो 1570 से 1672 तक रहा है, 1570 से 1672 रहा है। तो सदाशिव जहाँ पर बैठकर शासन कर रहे थे ना, तो उस समय क्या हुआ था, उस समय उनके मंत्री राम राव ने, है ना, उनके मंत्री जो था वो कौन था, राम राव। ठीक, अब वही बात हो गई कि राम राव मंत्री था, लेकिन क्या हुआ, हालांकि उस समय सदाशिव राजा तो थे लेकिन राम राव उनके मंत्री थे और सारा बागडोर किसके हाथ पे था, राम राव के हाथ पे था। राम राव ने क्या किया, सदाशिव को हटाकर खुद सिंहासन पर बैठ गया। ठीक, और सिंहासन पर बैठने के बाद क्या हुआ, उसने अपने वंश की स्थापना की और उस वंश का नाम है अरिविडु वंश। ठीक, अरिविडु वंश। और ये विजयनगर के महान शासकों की श्रृंखला में अंतिम वंश था। ठीक, जिन्होंने 1612 में मैसूर राज्य की स्थापना की थी। ठीक है, तो अरिविडु वंश में कौन कौन जो है वो शासक हुए हैं वो देख लो, इसमें लिखने वाला कुछ है नहीं। ठीक, तो इसमें जो है वो सिर्फ आप उनके राजाओं के नाम लिख लो अरिविडु वंश के। पहले राजा का नाम है तिरुमल। ठीक, दूसरे राजा का नाम है श्रीरंग द्वितीय। पहले राजा का नाम है तिरुमल, दूसरे हैं श्रीरंग द्वितीय, तीसरे शासक आए हैं रामदेव राय। ठीक, रामदेव राय। फिर लिखो श्रीरंग तृतीय। इसी समय राज्य को, मतलब श्रीरंग तृतीय के समय क्या हुआ था, इस समय राज्य को बीजापुर को समर्पण करना पड़ा। ठीक है, और 1672 में श्रीरंग तृतीय के मृत्यु के बाद जो है वो विजयनगर जो साम्राज्य है या उनका वंश है वो क्या हो गया, समाप्त या समांत, साम्राज्य का अंत हो गया। ठीक, ये छोटा सा ही चैप्टर था विजयनगर का।
विजयनगर के चार जो है वो वंश आए, कौन कौन से वंश थे? संगम, सुलुव, तुलुव और अरिविडु। ठीक है, अब उसके जो है वो आज के लिए इतना ही करते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे विजयनगर साम्राज्य का प्रशासन के बारे में और साथ ही बहमनी राज्य के को भी हम जो है वो स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। नोट्स जो है वो प्रॉपर बनाना, मेन मेन पॉइंट को लिख लेना, ठीक, ज़रूरी है। चलो आज के लिए इतना ही करते हैं। सभी को गुड नाइट, शुभ रात्रि।